ऐसे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जिनमें 10 का उद्घाटन और 4 प्रोजेक्ट आज जनता को समर्पित किए हैं। उसमें कुछ पावर डिपार्टमेंट के हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, अलग अलग विभागों के ऐसे 14 प्रोजेक्ट्स 60 करोड़ रुपए की लागत के आज जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं कैथल जिले की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे जितने भी काम हैं अभी तक के सीएम अनाउंसमेंट्स के पिछले जितने बाकी बचे हैं उन पर भी तेजी से काम सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में आचार संहिता से पहले पहले सब कामों की शुरुआत हो जाएगी ताकि ये सत्र पूरा होने तक ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरे हो सकें। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे इस 4.5 साल के कार्यकाल में अभी तक 7,950 सीएम अनाउंसमेंट्स हुई है और पिछले 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे 10 साल में दोनों सत्रों में उनके 6,400 ही सीएम अनाउंसमेंट्स हुई थी, उनसे ज़्यादा सीएम अनाउंसमेंट हुई। उन सब पर प्राय प्राय काम शुरू हो गया है और बजट के नाते भी हमारा बजट पिछले हर सत्र से डबल रहा है। तो ऐसे कोई भी काम की जब डिमांड आई है, मांग आई, उसको हमने पूरा किया है बिना किसी भेदभाव के, चाहे हमारा विधायक है चाहे किसी और पार्टी का विधायक है, लेकिन जहाँ जहाँ से जो डिमांड आई है उसको हमने सबको पूरा कराने का प्रयत्न किया है। और मैं ये भी आगे से वादा करता हूँ कि हम इस आधार पर न पॉलिटिकली, न जिला अनुसार, न किसी वर्ग के अनुसार, न किसी कैटेगरी के अनुसार किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, समान विकास कार्य सब क्षेत्रों में कराएंगे। सर, जनता के अंदर रीति नीति से हम चल रहे हैं, इसी रीति नीति को ट्रांसपेरेंसी, बिना भेदभाव के काम करना, ये हमारे विषय रहेंगे। कुछ जो ज्वलंत चीज़ें हैं उन ज्वलंत चीज़ों के ऊपर हम बैठ के विचार कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष में क्या कुछ करना है। जैसा मानो रोजगार का विषय, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा, ऐसे कुछ विषय हैं जिसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है और चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करना है। लेकिन जितना हमने 4.5 साल में किया है हमारे जनता ने उसको सराहा है। पिछले 48 साल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनी जितनी पिछले 4.5 साल में बनी है और मैं आशा करता हूँ इसी से जनता को जो एक अच्छा भाव गया है हमको विधानसभा चुनाव में इसका लाभ। पिछला जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को क्यों कायम नहीं रखेंगे, कायम रखेंगे। 60 साल से ऊपर के जितने भी पत्रकार जिनको पेंशन योग्य माना गया, लगभग 225 लोगों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य की एक योजना हमने जो चलाई थी जिसको आयुष्मान में कवर करने की बात थी, लेकिन क्योंकि आयुष्मान केंद्रीय योजना है उसमें कोई कठिनाई आई है इसलिए उसकी अलग योजना बना करके हम उस स्वास्थ्य का जो विषय है उसको पूरा करेंगे। सोशल मीडिया सेंटर, सोशल मीडिया वाला मीडिया सेंटर प्राय सब जिलों में मीडिया सेंटर बन गए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं, सक्सेस नहीं, उस कटिया की दावरी को खत्म करना है, उस कटिया की दावरी को खत्म करना है। पोर्टल को भी आपने मान्यता देने की बात करी थी, एक भी खत्म हो पाएगी कटिया का प्रश्न है, उसका उत्तर हो जाए। मैंने बताया कि अभी हमने उसको पोर्टल की शुरुआत की है, आज 5 जुलाई उसका पहला दिन है रजिस्ट्रेशन का। ये रजिस्ट्रेशन किसान 1 महीना तक करते रहेंगे, इसके बाद डिपार्टमेंट्स, 2 डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनके लोगों को 1.5 महीने का समय मिलेगा, फिर वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब 3-3 एजेंसियाँ रजिस्ट्रेशन करेंगी तो जो पहले वाला काम चलता था कि एक ही के हाथ में गिरदावरी थी, अब एक हाथ में गिरदावरी न रहने से एक दूसरे के ऊपर चेक लगेगा, कंप्यूटर पर सारा रजिस्ट्रेशन होगा और जहाँ कहीं उसमें गलती करेंगे वो फिर कोई भी गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा। न केवल 3 एजेंसियाँ बल्कि बाद में इसको सैटेलाइट से फोटो लेकर के उसकी इमेजरी भी की जाएगी, इसलिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ किसानों की गिरदावरी में आगे बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरा दावा है, गारंटी।